हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल इन योर ऑन स्टडी चैनल दैट इज द गो टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे एक और फॉर्म की जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो घर हैं इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउस बोट के बारे में। अब ये जो हाउस बोट हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये किस तरह से घर हैं। हाउस बोट आर मेड अप ऑफ वुड एंड आर प्रेजेंट इन वाटर। अब ये जो घर होते हैं ये लकड़ी के बने होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पानी पर पाए जाते हैं, पानी में इन्हें बनाया जाता है। जैसे कि हमारे सीज हो गए, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्वाटिक सिस्टम है। दीज हाउसेस कैन बी अप टू 80 फीट लॉन्ग एंड 8 to 9 फीट वाइड। अब ये जो घर होते हैं जो कि हाउस बोट के नाम से जाने जाते हैं, ये 80 फीट तक इनकी लेंथ देखने को मिलती है और इनकी अगर विड्थ की बात करें तो 8 to 9 फीट तक इनकी विड्थ होती है। दीज हाउस बोट्स हैव ब्यूटिफुल वुडन कार्विंग ऑन इट एंड दीज कार्विंग आर नोन एज कट। हम देख सकते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है, खटम बैंड बोलो या खाटम बैंड कुछ भी, लेकिन ये जो हैं ये इसको इसके नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जो घर होते हैं इनके ऊपर काफ़ी अच्छी वुडन कार्विंग की जाती है इनके ऊपर, और इस कार्विंग को कठम बैंड के नाम से जाना जाता है। दीज हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। जैसा कि हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो स्टोन्स के द्वारा घर बनाए होते हैं या स्टोन और वुड के द्वारा बनाए जाते हैं उनके कॉम्बिनेशन के द्वारा, लेकिन आज हमने जो हाउसेस देखे हैं जो कि कश्मीर और केरला में पाए जाते हैं, ये पानी के ऊपर बनाए जाते हैं जिनकी लेंथ होती है 80 फीट और 8 to 9 फीट ये वाइड होते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं सेशन को नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।